सायहापुर के बाबा विश्वनाथ मंदिर में मौजूद हैं। यहाँ पर स्वामी सुखदेवानंद कॉलेज के जो कुछ लोग हैं, उनके परिवार के लोग हैं यहाँ पर, और बाकी बजरंग दल के लोग हैं, उनके साथ में बात करेंगे। यहाँ पर एक रैली निकाली जा रही है, बाइक यात्रा यानी कि निकाली जा रही, बात करेंगे। राजेश अवस्थी जी हमारे साथ हैं, क्या मकसद है यात्रा निकालने के? यात्रा का उद्देश्य सभी हिंदू संगठनों के द्वारा, मोहम्मद शाह आश्रम परिवार के द्वारा एक यात्रा, भगवान श्री राम की कथा का दिव्य भव्य आयोजन SS कॉलेज मोहम्मद शाह आश्रम में हर वर्ष को इनको अच्छा कार्यक्रम होता है, उसी क्रम में होने जा रहा है। और बड़े विश्व के प्रख्यात संत माननीय हमारे आदरणीय सम्माननीय विजय कौशल जी महाराज के मुखारविंद के द्वारा श्री राम कथा का आयोजन हो रहा है, जिसका पान करने के लिए सभी हिंदू जनमानस वहाँ पर पहुँचे। इसलिए जन जागरण के माध्यम से कि हम लोग पूरे शहर में एक बाइक रैली निकाल रहे हैं हिंदू संगठनों के द्वारा, कि जिससे एक जन जागरण हो, सभी लोगों को ये पता चले कि इतना बड़ा दिव्य भव्य कार्यक्रम भगवान श्री राम की कथा का आयोजन मोहचोश्र आश्रम में हो रहा है, जो मोहच आश्रम परिवार की तरफ से किया जा रहा है। इसलिए जन जागरण का उद्देश्य भगवान श्री राम का जो कथा का लाभ है वो सबको मिले, इसलिए इसका आज एक आयोजन किया गया है। इतिहासकार विकास खुराना जी मौजूद, उनसे बात करें, कितना उत्साह है आज आपके बीच में ये रैली निकाली जा रही है। राम पूछो राम कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावन गंगा। हम लोगों का उद्देश्य है आज की रैली का कि पूरे जन सामान्य को राम कथा के साथ जोड़ने की एक तैयारी है, और सभी लोगों से ये आग्रह कर रहे हैं कि राम कथा में सुने और अपने धर्म और दर्शन को समझकर, मर्म को समझकर राष्ट्रवाद को जो है मजबूत बनाया जाए। जय श्री राम। यहाँ पर जो बाइक यात्रा है वो निकालने की तैयारी, यहाँ पर अभी बजरंग दल के कार्यकर्ता मोमोक्ष परिवार के लोग यहाँ निकालेंगे। विकास खुराना जी से बात की, उनका कहना है कि मकसद सिर्फ एक ही है कि भगवान श्री राम जी की जो कथा का आयोजन 25 फरवरी से मोमोक्ष आश्रम में होने जा रहा है, तो अधिक से अधिक लोग उसमें जुड़ें और भगवान राम की जो कथा उसको सुने। सायापुर सुमित सिंह के साथ सिमरनजीत सिंह।